राहुल गांधी का बयान सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करती है, और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। भारत की सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। जब जब देश पर संकट आया है, भारत की सेना मुस्तैदी के साथ देश की सेवा और रक्षा में लगी रही है। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया, और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी के इस सोच की निंदा करते हैं, और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे और देश को ये बार बार कटघरे में खड़ा करने की अपनी बचकाना और मर्यादित आचरण से वह, मुझे लगता है कि उनको बचना चाहिए। राहुल गांधी जी के बयान पर मुझे कोई ज़्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन बार बार ये दिखाता है कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं, चाइनीज अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आए, जबकि भारतीय सेना के जवान अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहा दिखाते हुए नजर आए। जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है, भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है।